तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जो सबसे प्रमुख नारा था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हम लोगों का राष्ट्रीय गीत भी है, तो इस पूरे गीत का जो है अर्थ क्या होता है, ताकि आप जब कभी भी वंदे मातरम गाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या जो है गा रहे हैं। साथ में बहुत से लोगों को जो है ना इसके उच्चारण में भी जो है थोड़ी तकलीफ होती है, तो मैं जो है आपको बिल्कुल सारा कुछ बताऊंगा, तो आपको इसके उच्चारण में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको इसका पूरा अर्थ जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको गीत दिख रहा है वंदे मातरम, इस गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने इस गीत की रचना की थी? तो ये लिखा था हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, कब लिखा था इन्होंने? इन्होंने लिखा था इस गीत को, इन्होंने लिखा था 1875 ईस्वी में। कब लिखा था? 1875 ईस्वी में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की जो है रचना कर दी थी। और 1881 में इन्होंने बुक लिखा था आनंद मठ, उसमें भी जो है इन्होंने इस गीत को शामिल किया था। लेकिन ये गीत जो है भारत का राष्ट्रीय गीत कब बना? तो ये बना 1950 ईस्वी में। कब बना? 1950 ईस्वी में जो है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया। अब देखिए वंदे मातरम जो है इसके जो शब्द हैं, आइए सबसे पहले इन्हें समझते हैं। पहला शब्द क्या है? वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम। वंदे का मतलब होता है वंदना, वंदना यानी कि पूजा। जैसे आप जो है ईश्वर की वंदना करते हैं, यानी ईश्वर की पूजा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है? वंदे मातरम मतलब हे मातृभूमि, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। मतलब हमारी जो ये भारत भूमि है, जो हमारी मातृभूमि है, उसके प्रति क्या कर रहे हैं हम लोग? अपना श्रद्धा बता रहे हैं कि हे मातृभूमि, हम जो है आपका क्या करते हैं? वंदना करते हैं। उसके आगे जो है मातृभूमि में हम लोग की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे देखिए सुजलाम, इसको पढ़ेंगे सुजलाम। तो सुजलाम का क्या अर्थ होता है? सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। देखिए हिंदी में ना दो शब्द का यूज होता है, एक होता है सु और एक होता है कु। ये दो शब्द का देखिए मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब होता है अच्छा। और कु का मतलब क्या होता है? कु का मतलब होता है खराब, या आप कह सकते हैं बुरा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं क्या मतलब होता है। सु का मतलब होता है अच्छा और कु का मतलब होता है खराब। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुजलाम, सु मतलब अच्छा, जल मतलब पानी, मतलब अच्छा पानी। अब अच्छा पानी कैसा होगा? अच्छा पानी यानी कि मीठा पानी, अच्छा पानी मतलब मीठा पानी। तो सुजलाम मतलब अच्छा मीठा पानी, सुफलाम मतलब अच्छा फल। अच्छा फल कैसा होगा? मीठा फल। सुजलाम मतलब अच्छा पानी या साफ पानी, सुफलाम मतलब अच्छा फल या मीठा फल। मल यज शीतलाम, इसका देखिए क्या मतलब होता है। मलय, मलय जो आपको दिख रहा है, मलय जो है ना मैसूर में एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है। इस पहाड़ में क्या है ना, सफेद चंदन के बहुत ज्यादा जो है पेड़ पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में एक शहर है मैसूर, ठीक है ना, उसमें एक पहाड़ी पाई जाती है, मलय की पहाड़ी। और इसमें क्या होता है ना, सफेद चंदन का बहुत सारा पेड़ पाया जाता है। तो इस ओर से जो भी हवा आती है ना, काफी ठंडी ठंडी हवा होती है, और उसमें क्या होता है ना, चंदन की खुशबू मिश्रित रहती है, क्योंकि उस पहाड़ी में चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं। तो वही इसमें बताया गया है, मलयज शीतलाम मतलब मलय पर्वत के तरफ से आने वाली ठंडी हवा, जिसमें चंदन की खुशबू क्या होती है, मिश्रित होती है। तो यहां पर क्या बताया गया है, देखिए वंदे मातरम मतलब हे मातृभूमि, मैं आपकी वंदना करता हूं। वैसी मातृभूमि जो हमें क्या प्रदान करती है, अच्छा यानी कि साफ पानी, मीठा फल, और मलय पर्वत से आने वाली जो है शीतल यानी कि ठंडी हवा। सस्य श्यामला मातरम, सस्य क्या मतलब होता है? फसल, यानी कि आप जो खेत खलियान में देखते हैं फसल उपज, उसे हम लोग कहते हैं सस्य। और श्यामला का मतलब होता है हरा भरा। अब देखिए कहीं आप देखिएगा कि एक पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा थोड़े दूर पे, तो वो आप देखिएगा कि इसे उतना गहरा रंग नहीं होता है, लेकिन अगर सारा फसल एक साथ रहेगा तो वो गहरा रंग लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं श्यामला, मतलब कि हरा भरा या गहरा। सस्य श्यामला मातर मतलब हमारी मातृभूमि कैसा है, यहाँ का फसल जो है पूरा मतलब भरा पूरा हरा भरा है, ठीक है। उसके बाद वंदे मातरम मतलब वैसी मातृभूमि जो हमें साफ पानी प्रदान करती है, मीठे फल प्रदान करती है, शीतल ठंडी सुगंधित हवा प्रदान करती है, हरे भरे खेत हैं, तो उस मातृभूमि को हम लोग क्या करते हैं, उस मातृभूमि की हम लोग यहाँ से वंदना करते हैं, ठीक है। वंदे मातरम मतलब उस मातृभूमि की हम लोग क्या करते हैं, वंदना करते हैं। आगे बढ़ते हैं,
क्या लिखा है, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। अब देखिए, शुभ्र का मतलब होता है ना चमकीला, शुभ्र का मतलब क्या होता है, चमकता हुआ या चमकीला। और ज्योत्सना का मतलब होता है चांद की रोशनी, मतलब चांद जो आप लोग रात में देखते हैं उसकी रोशनी को हम लोग संस्कृत में कहते हैं ज्योत्सना। तो शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, यामिनी का मतलब होता है रात, यामिनी का मतलब क्या होता है, रात। संस्कृत में यामिनी का मतलब होता है रात। और पुलकित, पुलकित का मतलब क्या होता है ना, बहुत ज्यादा खुश, यानी हर्षोल्लास। जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुलकित कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां इसका क्या मतलब बोलना, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, मतलब हमारे मातृभूमि की जो रात होती है, मतलब हमारे मातृभूमि यानी भारत देश में जो रात्रि होती है, इस रात्रि को शुभ्र ज्योत्सना मतलब चमकते हुए चांद की जो रोशनी होती है, ज्योत्सना मतलब चांद की रोशनी, चमकते हुए चांद की जो रोशनी होती है वो उसे कैसा कर देती है, खुशनुमा कर देती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा क्या कर देती है, खुशनुमा। मतलब हमारे मातृभूमि की रात्रि को चांद से निकलने वाली जो चमकती हुई रोशनी होती है चांद की, वो क्या कर देती है ना, पूरे रात को क्या कर देती है, खुशनुमा बना देती है। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनिम, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनिम। फुल्ल का क्या मतलब होता है ना, खिले हुए। कुसुमित मतलब होता है फूल, फुल्ल कुसुमित मतलब खिले हुए फूल। ठीक है, फुल्ल कुसुमित का क्या मतलब हुआ, खिले हुए फूल। द्रुम, द्रुम का मतलब होता है पेड़ पौधे वनस्पति। दल, दल का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, समूह होता है, जैसे लोगों का दल होता है ना उसी तरह दल का क्या मतलब होता है, समूह। और द्रुम दल का क्या मतलब हुआ, पेड़ पौधों का समूह। शोभिनी मतलब कि शोभा बढ़ाता है, शोभा बढ़ाना का मतलब समझते हैं, जैसे राजा के चेहरे क्या होता है, सर पर जो है मुकुट लगा दिया गया, तो कहेगा ना कि इस मुकुट ने राजा की शोभा बढ़ा दी, मतलब उसका क्या हुआ, प्रतिष्ठा बढ़ गया, मतलब देखने में जो है वो चार चांद लग गए, इस तरीके से आप बोल सकती है। तो फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी मतलब खिले हुए फूल और वृक्षों वनस्पतियों का जो समूह होता है ना फैलावो, वो सब क्या करता है, हमारे मातृभूमि की शोभा को बढ़ाता है। सुहासिनी मतलब जो हमेशा हंसती है, हमारी मातृभूमि क्या करती है, हमेशा हंसती है और खिलखिलाती है। सुमधुर भाषिनी, मधुर का मतलब होता है मीठा और भाषिनी का क्या मतलब होता है, बोलना। और सु मतलब अच्छा, मतलब हमेशा क्या होता है ना, हमारी मातृभूमि कैसा बोलती है, अच्छा, मतलब हमेशा हंसने वाली और हमेशा अच्छे जो है, अच्छी बोलने वाली। सुखदाम मतलब सुख देने वाली, वरदाम मतलब वरदान देने वाली मातृभूमि। वंदे मातरम मतलब सुहासिनी, हमेशा हंसने वाली, हमेशा मीठा बोलने वाली, सुख देने वाली, वरदान देने वाली मातृभूमि, हे मातृभूमि मैं आपकी वंदना करता हूं। तो यही जो है इसका यहां से तात्पर्य निकलता है। अब पूरे इस जो है इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा, तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुरभाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो यही जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो क्या मतलब होता है वैसा, हे भारत माता, हे मातृभूमि, मैं आपकी क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। वैसी मातृभूमि जो हम लोगों को अच्छा साफ पानी प्रदान करती हो, अच्छे मीठे फल प्रदान करती हो, मलय पर्वत पर जो चंदन है उससे चंदन की खुशबू युक्त जो शीतल यानी कि ठंडी हवा हमें प्रदान करती हो, जिसके खेत जो है हमेशा हरे भरे हों, उस मातृभूमि की हम लोग क्या करते हैं, वंदना करते हैं। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी मतलब चमकते हुए जो चमकता हुआ जो चांद की रोशनी होती है वो जो है हमारे मातृभूमि की रात को क्या करती है ना, अच्छा खुशनुमा कर देती है। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनिम खिले हुए फूल और पेड़ों वनस्पतियों का जो समूह है हमारे मातृभूमि की शोभा को और ज्यादा बढ़ा देता है। सुहासिनिम सुंदर भाषिनिम हमेशा हंसने वाली मातृभूमि, हमेशा जो है अच्छा बोल बोलने वाली मातृभूमि। सुखदाम सुख देने वाली मातृभूमि, वरदाम वरदान देने वाली मातृभूमि को क्या करते हैं, हम लोग वंदना करते हैं, नमन करते हैं। तो यही जो है इसका अर्थ होता है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका जो है उच्चारण में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।